नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, IFMS 3.0 पोर्टल को लेके जो जो अपडेट हो रही है उसे रिलेटेड मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों DDO ID से SSO पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे IFMS 3.0 ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमें DDO ID से ही लॉगिन करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो सेटिंग है वो DDO ID के लिए ही है। कई जो न्यू एम्प्लॉई है उनके IFMS 3.0 पोर्टल है जो वो ओपन नहीं हो रहा है सही तरीके से, तो सबसे पहले हमें DDO ID से ही लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पे जो भी नाम है DDO का वो शो होगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जो पहला ऑप्शन है एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस EWS और एक्सेस वर्क स्पेस। जो EWS लिखा रहा है ये तो कर्मचारी के खुद के लिए होता है और एक्सेस वर्क स्पेस है ये ऑफिस के रिलेटेड है, तो हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो दिखाई देंगे, तो यहाँ आप दोस्तों ये ऑप्शन देख सकते हो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पेंशन मैनेजमेंट, पे मैनेजमेंट, OTS, वाम, IMS वगैरह बहुत ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो हमें ये यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें टिक करना है। कुछ जो दोस्तों सर्वप्रथम जो सेटिंग हमें यहाँ पे करनी है, सेलेक्ट मॉड्यूल में दोस्तों हमें एम्प्लॉई ऑप्शन है जो उसको सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट प्रोसेस के अंदर दोस्तों हमें जो ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 10-12 जो भी ऑप्शन है जितने भी है, पेंशन ईसीएस एम्प्लॉई सबसेशन अलाउंस है, एबसेंट स्टेटमेंट वगैरह जितने भी है, लीव का है या ट्रांसफर का है, सब के अंदर दोस्तों हमें रोल अपडेट करना है। रोल मेकर, चेकर और अप्रूवर का दोस्तों ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यहाँ पे नहीं सो रहा है तो फिल्टर के अंदर आप एम लिखोगे या मेकर लिखोगे तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन है जो सो होगा। तो मेकर लिखे आप इसको एम लिखे भी सर्च कर सकते हो। हाँ, ये एम लिखे आप यहाँ पे सर्च कर लोगे तो आपको आपके जो DDO के जितने भी अधीनस्थ एम्प्लॉई है आपके काम करते हैं जितने भी है उनकी SSO ID दिखाई देगी। और जो कौशल एम्प्लॉई है कार्य अनुभव जिनको अच्छा है इनका स्थापना शाखा का या वगैरह अकाउंट्स का वगैरह जो आप ये देख लेते हैं, और उनको आप किसी भी एम्प्लॉई को पहले मेकर, दूसरा चेकर और अप्रूवर, तीन ऑप्शन है, तीनों में चाहे एक ही एम्प्लॉई को तीनों ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे अलग अलग तीन एम्प्लॉई है उनको ये रोल आपको ये सभी को या जितने भी ऑप्शन आपको यह दिखाई दे रहे हैं सब में ये रोल अपडेट करना है दोस्तों, इनको ये रोल देने हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमें सर्वप्रथम जो IFMS 3.0 पर जो अपडेट है उसकी जो सेटिंग है हमें सबसे पहले SSO ID से DDO लॉगिन करके सर्वप्रथम हमें यही काम करना है, ताकि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होने वाला है या कुछ भी है तो दोस्तों सर्वप्रथम ये रोल अपडेट होगा तो वो अपनी SSO ID से जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा पेंशन की तो वो सर्वप्रथम मेकर फिर चेक कर और अप्रूवर के पास में जाएगी। अगर ये रोल अपडेट नहीं करते हैं तो वो दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो भी प्रकरण होता है वो ऑटो अप्रूव हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी है दोस्तों, पहले तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिखाई देते थे पेंशन से रिलेटेड एम्प्लॉई और पेंशन रिवाइज का ऑप्शन, दोस्तों यहाँ पे दो ही ऑप्शन शो होते थे। अब ये इतने सारे ऑप्शन जो IFMS 3.0 पर अपडेट हुआ उसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों ये शो होने लग गए हैं। तो हमें जितने भी है सारे ऑप्शन में भी हमें मेकर, चेकर और अप्रूवर का, जहाँ जहाँ अप्रूवर का ऑप्शन है तो जैसे आप जो भी DDO को खुद को भी बना सकते हो या जो भी आपके पद के अनुसार जितने जो भी कर्मचारी आप जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको आप यहाँ पे ये रोल अपडेट करने हैं आपको ज़रूरी है ये। और उसके आगे की जो भी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो आपको ये इतना ही काम करना है और ये मैं आपको करके बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर सकते हैं आप और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ई पेंशन रिवीजन का ऑप्शन है दोस्तों, ये भी पेंशन ऑप्शन में हमें दिखाई देता है, तो लास्ट में ये भी हमें करना ज़रूरी है। साइड में जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस हिसाब से हमें ग्रीन टिक हो जाएगा और सबमिट कर देना है।
जिसको भी आप ये रोल देना चाहो, जो भी कार्य में कौशल हो, जिसको इसके बारे में पूरी जानकारी हो। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस EWS का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे। और दोस्तों साइड में यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, और दोस्तों हमें यहाँ पे राइट साइड में कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अर्न सैलरी एडवांस पे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, जहाँ पे ये लाइव का ऑप्शन शो हो रहा है। जो अभी दोस्तों कुछ ऑप्शन एंड में ये ओपन होने लग गए हैं, और कुछ ऑप्शनों पर दोस्तों कमिंग सुन आ रहा है, क्योंकि ये जो डाटा है वो पे मैनेजर से फेच हो रहा है, और हमें जो ऑप्शन शो हो रहे हैं या ओपन हो रहे हैं तो पे मैनेजर से इनमें मिलान कर लेना है। अपनी जो भी बेसिक वगैरह है, एड्रेस वगैरह है, ये सब हमें इनमें अपडेट करना होगा। और कई के दोस्तों ऑप्शन न्यू भी है हमारे पे मैनेजर पर अभी आने लग गए हैं। अपनी पे पर्सनल पे मैनेजर आईडी पे हम ओपन करके देखते हैं तो उसमें भी कोई ऑप्शन है जो बहुत सारा बदलाव हुआ है, अपडेट हुए हैं। और इस पे भी IFMS 3.0 पे भी बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। IFMS 3.0 पे होने वाले अपडेट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी होगी तो आपको समय समय पर दे दी जाएगी। आज के वीडियो के लिए बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।